नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे TVS की जुपिटर ZX जो कि हाल ही में लॉन्च हुई है, नए वेरिएंट, नए कलर और नए मॉडल के साथ। 110 सीसी का इसका इंजन है। जुपिटर ZX की बैजिंग देख सकते हैं, कितना अच्छा इसे बनाया गया है। और ये गाड़ी कुछ थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ लॉन्च हुई है, जैसे कि ट्रिप मीटर इसमें डिजिटल डाला गया है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा सा अलग है, जिसमें टाइम का भी डिस्प्ले शो करता है ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज के साथ। स्पीडोमीटर को इसमें एनालॉग वाला ही रखा गया है। और इको और पावर की का भी डिस्प्ले इसमें है। ये पास लाइट का बटन भी दिया हुआ है इसमें। राइट साइड पर सेल्फ का बटन है और ये मिरर कुछ इस तरह से दिखता है। आगे हेडलैम्प की बात करें तो स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा सा अलग इसमें दिया गया है और LED बल्ब इंस्टॉल किया गया है, जो कि लुक इस तरह से दिखता है। सामने इंडिकेटर्स इस तरह से दिखते हैं। और टायर्स की बात करें तो 90x90 12 का ट्यूबलेस टायर्स लगा हुआ है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम और आगे पीछे दोनों में अलॉय व्हील्स इसमें दिए गए हैं। इंजन के कूलिंग सिस्टम की बात करें तो एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम है। और इस गाड़ी को स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा सा अलग बनाया गया है। अभी हाल ही में ग्रैंड एडिशन भी लॉन्च हुआ है, जिसमें ब्लूटूथ एक्स कनेक्टिविटी सिस्टम दिया गया है। इस मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। स्पेस की बात करें तो इसमें सामने आप सिलेंडर आसानी से रख सकते हैं। और ये देखिए, हुक फोल्डेबल है, जिसे आप ज़रूरत के समय बस खोल सकते हैं। सामने ये बैग हुक भी दिया गया है। और इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें क्रीम कलर का डैशबोर्ड दिया गया है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल से अलग है। स्टैंडर्ड मॉडल में आपको ब्लैक कलर का डैशबोर्ड मिलता है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपको। चाबी के लॉकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ये इस तरह का लॉक सिस्टम दिया गया है। एक्टिवा से थोड़ा सा चेंज है। और एक्टिवा में आपको डिक्की खोलने के लिए सामने में ही चाबी के बाजू में दिया रहता है, ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। आपको डिक्की खोलने के लिए पीछे चाबी लगानी पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 75,000 इसकी कीमत है छत्तीसगढ़ में। और एक्स शोरूम दिल्ली की बात करें तो 56,000 रुपये इसकी कीमत। 12 वोल्ट का बैटरी इंस्टॉल है इसमें। और पीछे साइलेंसर का लुक इस तरह से है, CVTi का लोगो साइलेंसर कवर में लगा हुआ है। एयर कूल्ड इंजन, 110 सीसी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, जिसमें आपको पीछे का टायर भी 90x90 12 का मिलता है अलॉय व्हील के साथ। व्हील बेस की बात करें तो 1275 mm का व्हील बेस है। और पीछे से लोग देख सकते हैं इस तरह से है। इसकी सीट को आप देख सकते हैं, ब्राउन कलर में दिया गया है लाइट डैशबोर्ड के कलर में। रियर सस्पेंशन की बात करें तो गैस चार्ज मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। और फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाता है इसमें, जो कि एडवांस टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। मैक्सिमम पावर की बात करें तो 5.8 किलोवाट 7500 RPM पे। और मैक्सिमम टॉर्क इसमें 8.4 न्यूटन मीटर का 5600 RPM पे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लेफ्ट साइड घुमाने पर इस चाबी से आपका फ्यूल का टैंक खुलता है। और राइट साइड घुमाने पर आपका ये जो कंटेनर है डिक्की, वो खुल जाता है, जिसमें काफ़ी स्पेस है, आप हेलमेट वगैरह आसानी से रख सकते हैं। ये इसके फ्यूज़ के सिस्टम्स, फ्यूज़ का बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे। और आप चाहे तो इसमें चार्जिंग सॉकेट भी लगवा सकते हैं। ये इसका चेसिस नंबर। और इसमें ये देखिए ऊपर टूल किट और फर्स्ट एड बॉक्स।
इस डिक्की में लाइटिंग का सिस्टम नहीं दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।